सुनते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग दाब के बारे में पढ़े थे, समझ रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुछ पॉइंट है क्वेश्चन में, हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। देखिए दिया गया है एक लिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्दों में दीजिए, ठीक है। वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है,
जल में तैरते हुए रखती है कि किसके कारण कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति अगर जल में तैरता है तो किसके कारण तैरता है तो उपलावकता या उपलावन बल के कारण। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर पानी में डूब जाता है तो डूबता है तो क्या होता है हाथ और पैर दोनों चलाने लगता है ठीक है, तभी वो एक स्थान से तैर करके दूसरे स्थान तक जाता है ठीक है। किसके कारण उपलावक बल के कारण ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा उपलावन बल लावन लावन बल के कारण ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फाइव नंबर में दिया गया है कि इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब, इकाई क्षेत्र पर इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब ठीक है, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब को क्या बोला जाता है उसको जो है भार बोला जाता है, क्या भार बोला जाता है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन का निम्नलिखित प्रश्न का एक शब्दों में क्या करना था उत्तर देना था हमको ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिखे पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल को क्या बोलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा नंबर यह है कि इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल को क्या बोलते हैं दाब बोलते हैं। उसके बाद तरल द्वारा ऊपर मुखी दाब को उपलावकता बोला जाता है। उसके बाद वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उसे उपलावन बल कहते हैं। उपलावन बल के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पानी में तैरता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। उसके बाद इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब को क्या बोलते हैं तो भार बोलते हैं ठीक है। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो ये चीजें ध्यान के समझ के ताकि वीडियो निकलेंगे इसके आगे जो है कॉलर हम जानेंगे।